हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बायो वाले कौशिक सर। हम लास्ट लेक्चर में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर हमने हमारी एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की लोकेशन और उनके नाम के बारे में पढ़ा था कि एलिमेंट्री कैनाल में कितने पार्ट हैं और डाइजेस्टिव ग्लैंड कितनी है, कौन सी है। क्लियर? तो अब हम एलिमेंट्री कैनाल और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कंटिन्यू करते हुए एलिमेंट्री कैनाल के एक एक पार्ट को डीप में डिटेल में पढ़ेंगे। क्लियर? तो जैसा कि हम शुरू करेंगे एलिमेंट्री कैनाल, तो सबसे पहला हमारा जो पार्ट होगा दैट इज माउथ। एलिमेंट्री कैनाल में पहला हमारा पार्ट जो है उसका नाम क्या होगा? माउथ। माउथ क्या है? हमारा फर्स्ट पार्ट है। अगर हम सिंपल डेफिनेशन की बात करें, माउथ इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अवर एलिमेंट्री कैनाल। और माउथ किस काम आएगा? इंजेशन के काम आएगा कि फूड वहां से अंदर जाएगा। क्लियर? लेकिन हम किस तरह से बोलते हैं? माउथ इज अ ट्रांसवर्स स्लिट। क्या है? ट्रांसवर्स स्लिट। इट इज प्रेजेंट एट द वेंट्रल पोर्शन ऑफ अवर साइड ऑफ अवर बॉडी। क्लियर? एंड दिस स्लिट और माउथ इज ऑलवेज कवर्ड बाय और ऑलवेज बाउंडेड बाय और ऑलवेज बाउंडेड बाय सेकेंड पॉइंट बाउंडेड बाय टू लिप्स। वन लिप इज अपर एंड वन इज लोअर, यानी कि अपर लिप एंड लोअर लिप। क्लियर? तो ये अपर लिप और लोअर लिप हुआ। दीज टू लिप्स आर सॉफ्ट एंड मूवेबल। दीज लिप्स आर सॉफ्ट एंड मूवेबल। सॉफ्ट है, मूवेबल है, और ये लिप्स जो है अपनी जगह पर जो कौन इन्हें सपोर्ट करता है, एक मसल है जो इन्हें सपोर्ट करती है, यानी कि टू लिप्स आर सपोर्टेड बाय अ मसल। और नाम क्या है उस मसल का? मसल का नाम है आर्बिकुलरिस ओरिस मसल, दैट इज आर्बिकुलरिस ओरिस मसल। ओके, आर्बिकुलरिस ओरिस मसल जो है इन लिप्स को सपोर्ट करके रखती है। क्लियर? तो ये है हमारे लिप्स के बारे में जो हमारे माउथ का पार्ट है। ठीक है, फंक्शन क्या है लिप्स का? लिप्स हेल्प्स इन द कैप्चरिंग ऑफ द फूड। लिप्स जो है फूड को कैप्चर करने में हमारी हेल्प करते हैं। क्लियर? अनदर पॉइंट हम क्या बता सकते हैं कि सर, अगर हम बात करें लिप्स के एक्सटर्नल कवरिंग की और इंटरनल लाइनिंग की, तो लिप्स जो है बाहर से दे आर एक्सटर्नली कवर्ड बाय स्किन एंड इंटरनली लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। ये दो पॉइंट, एक तो हमारी मसल आर्बिकुलरिस ओरिस मसल और दूसरा हमारा इंटरनल और आउटर जो कवरिंग है उसका क्वेश्चन नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आउटर कवर्ड बाय स्किन एंड इंटरनली और लाइंड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन। क्लियर? चलिए, तो ये था हमारा माउथ। उसके बाद सेकंड पार्ट हमारा आता है बकल कैविटी, दैट इज द सेकंड पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, दैट इज बकल कैविटी। क्लियर? वैसे तो सिंपली मैं बोल सकता हूं द कैविटी प्रेजेंट बिहाइंड द माउथ इज कॉल्ड एज बकल कैविटी। द कैविटी प्रेजेंट आफ्टर द माउथ, लेकिन अब कैविटी जो है कैविटी तब बनती है जब उसके चारों तरफ कोई ना कोई
कवरिंग हो, उसको कोई गार्ड करने वाला हो, तब बीच के पार्ट को हम कैविटी बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं बताना चाहूं तो ये जो हमारे टीथ्स हैं, यानी कि जो हैं, जो बोन है, इनके से पीछे जो ये आ, ये जो एरिया है, ये क्या है? हमारी कैविटी है, दैट इज द बकल कैविटी। क्लियर? अब बकल कैविटी में अगर हम पार्ट की बात करें, देखिए अपर साइड किसकी है, साइड में कौन है, लोअर साइड किसकी है, तो हम ये पढ़ेंगे। चलिए, अगर मैं बकल कैविटी की बात करूं तो बकल कैविटी में अपर पोर्शन इज कवर्ड बाय, कौन कवर करता है? पैलेट। कौन करता है? पैलेट। क्लियर? सेकंड, बिलो द बकल कैविटी, बिलो पोर्शन में क्या है इसके? थ्रोट। क्लियर? और अगर मैं बात करूं साइड्स की, तो साइड में कौन है? जो, यानी कि जो बोन में कह सकता हूं, जो है हमारे साइड्स में। अब इन सब के बीच में देखिए, ये ऊपर हो गया, अबव, पीछे की साइड पे कौन हो गया हमारा? थ्रोट हो गया। और साइडों में यहां कौन हो गया? यहां हो गया हमारा, क्या हो गया? जो बोन। तो बीच में जो कैविटी बनी, दैट इज द बकल कैविटी। तो ये उसकी साइड हुई। साइड से क्वेश्चन आ सकता है नीट लेवल में, बताइए क्या क्या, किस साइड पे कौन प्रेजेंट होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे कि जो बकल कैविटी है इंटरनली लाइंड बाय, देखिए बकल कैविटी इज इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्विमस एपिथेलियम। बकल कैविटी इंटरनली लाइंड बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड क्या होती है? मल्टीलेयर। स्क्वेमस कौन होती है? सबसे सिंपल टाइप होती है। और एपिथेलियम है ये कवरिंग, इंटरनल कवरिंग, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। एपिथेलियम, ओके। तो इंटरनली लाइन बाय स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, तो ये तो था केवल बकल कैविटी के बारे में छोटा सा पॉइंट, कि जो उसके करेक्टर हैं, कि वो कैविटी किस किस ने मिलकर के बनाई और किस तरह की लाइनिंग है उसके अंदर या इंटरनली क्या प्रेजेंट है, दैट इज अ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। क्लियर? अब हम बात करेंगे इसके पार्ट की। देखिए बकल कैविटी में हम मेजरली जो पार्ट पढ़ते हैं, तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले पैलेट। क्या पढ़ते हैं? पैलेट। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं टंग, और उसके बाद हम पढ़ते हैं टीथ, क्योंकि यहां पे तीन मेजर चीजें प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, क्लियर? तो अब सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? पैलेट। ठीक है, किसका पार्ट है? बकल कैविटी का, दैट इज पैलेट। ठीक है, अब मैं यहां पर छोटा सा डायग्राम आपके लिए ड्रॉ करूंगा बकल कैविटी के लिए। क्लियर? ये है हमारी बकल कैविटी। देखिए मैंने केवल इसको, इस पोर्शन को इलैबोरेट करके यहां बनाया है। अगर मैं बात करूं यहां पर, ये हमारी स्लिट हो गया, दैट इज द माउथ ट्रांसवर्स स्लिट हो गया। अब ये जो अपर पार्ट है, ये वाला यहां से लेकर के यहां तक का पार्ट जो हमारा है, दैट इज द पैलेट। ठीक है, अब मैंने यहां पर मार्किंग क्यों नहीं की? क्योंकि हम यहां पर आइडेंटिफिकेशन के लिए, हम यहां पर समझने के लिए, मैं इसको जानबूझ के थोड़ा सा ब्रॉड कर रहा हूं, मोटा इस पोर्शन को शो कर रहा हूं। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि सर ये एंटीरियर पोर्शन है, ये पोस्टीरियर पोर्शन है। ठीक है ना, क्लियर? तो मैं इसे एंटीरियर पैलेट कहूंगा, इसे पोस्टीरियर पैलेट कहूंगी। मैंने केवल आपको समझाने के लिए बनाया, बिकॉज जो एंटीरियर पैलेट होता है वो हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि वो दो बोन से मिलकर के बनता है। और जो हमारा पोस्टीरियर पैलेट होता है वो सॉफ्ट होता है। वो जो पोस्टीरियर पैलेट है वो सॉफ्ट इसलिए है क्योंकि वहां पर बोन्स प्रेजेंट नहीं होती। क्लियर? तो मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, दैट इज द एंटीरियर पैलेट। सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, एंटीरियर पैलेट। क्लियर? और ये है हमारा पोस्टीरियर पैलेट। ठीक है,
जो एंटीरियर पैलेट है वो हार्ड होता है और पोस्टीरियर पैलेट जो है सॉफ्ट होता है। अब डेफिनेशन क्या बनेगी, द अपर पार्ट ऑफ द बकल कैविटी इज कॉल्ड एज पैलेट और द रूफ ऑफ द बकल कैविटी इज मेड बाय पैलेट। क्लियर? तो हमने बताया आपको यहां पर क्या है, हमारे पास दो पैलेट है, दो पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया। नंबर वन एंटीरियर पैलेट एंड नंबर टू दैट इज द पोस्टीरियर पैलेट। क्लियर? एंटीरियर पैलेट जो है वो क्या होता है, हार्ड, और पोस्टीरियर पैलेट क्या होता है, सॉफ्ट। ठीक है, इसे बोनी पैलेट भी हम बोलते हैं बिकॉज इट इज मेड बाय टू बोन। यहां पर दो बोन्स प्रेजेंट होती हैं, टू बोन्स, कौन कौन सी, नंबर वन मैक्सिला एंड नंबर टू पैलेटाइन बोन। दो बोन यहां पर प्रेजेंट होती हैं, नंबर वन मैक्सिला, ठीक है, और नंबर टू दैट इज द पैलेटाइन। क्लियर? पैलेटाइन बोन। अब जो ये दो बोन है ये इसको हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? हार्डनेस प्रोवाइड करती हैं। और यहां पर जो है ये जो सॉफ्ट पैलेट है, यहां पर बेसिकली एक वर्ड होता है यूवला, जो मैं अभी बताऊंगा। यानी कि अगर मैं सीधा फंक्शन पर आ जाऊं, पोस्टीरियर पैलेट के फंक्शन पर, तो यहां पर इट सेपरेट्स द, ये सेपरेट करता है किसको, नेजोफेरिंग्स को ओरोफेरिंग्स। इट सेपरेट्स नेजोफेरिंग्स टू ओरोफेरिंग्स। ठीक है, क्लियर? इसको समझने के लिए सर ये कैसे सेपरेट करता है, किसके पार्ट है, कहां प्रेजेंट होते हैं, देखिए यहां पर ये नेजल पाइप भी आकर के कहां खुल जाती है, हमारे पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द बकल कैविटी में आकर के ओपन हो जाती है यहां पर, ये ठीक है ना, ये आ गई नेजल पाइप। क्लियर? ठीक है, तो यहां पर हमारा क्या प्रेजेंट होता है, यहां पर हमारा एक यूवला, एक एक्सटेंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। वो देखा है वो विक्स की आदत है, विक्स की गोली लो, खींच खींच दूर करो, उसमें वो वायरस सा जो होता है उसके ऊपर, बैक्टीरिया जो बिठा रखा होता है वो घूमता है उसके ऊपर, दैट इज यूवला। वो यूवला होता है, ये जो यूवला होता है जब हम ईटिंग और ड्रिंकिंग कर रहे होते हैं तो ये स्वेल होकर के ब्लॉक कर देता है इसकी पाइप को, जिसकी वजह से उस टाइम पे एयर अंदर नहीं आ सकती। दैट इज द फंक्शन ऑफ यूवला। क्लियर? ठीक है, तो पैलेट हमारा हो गया, पैलेट में हम एक यूवला का फंक्शन और पढ़ते हैं, वो मैंने आपके लिए मेंशन यहां पर कर दिया है। ठीक है, क्लियर? तो ये था हमारा पैलेट। अब हम पढ़ेंगे इससे नेक्स्ट सेकंड पार्ट, दैट इज द टंग। क्या पढ़ेंगे? टंग। ठीक है, टंग को हम लेंगे अब, टंग और टीथ जो है हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने एलिमेंट्री कैनाल के दो पार्ट को कवर किया, माउथ और बकल कैविटी के अंदर पैलेट। ठीक है, क्लियर? तो हम नेक्स्ट वीडियो पर चलते हैं, उसमें हम करेंगे हमारा नेक्स्ट पोर्शन, दैट आर द टंग एंड टीथ। क्लियर? ओके।